उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में दिवाली मनाने की अनोखी परंपरा है। यहाँ के लोग दिवाली के दिन अपने घरों में गन्ने से लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति का निर्माण करते हैं और लक्ष्मी पूजन के दिन गन्ने की लक्ष्मी मूर्ति की पूजा करते हैं। पुराणों में गन्ने को काफी शुभ और फलदायक माना जाता है, साथ ही गन्ना माँ लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है। यही वजह है कि उत्तराखंड के नैनीताल में भी लोग अपने घरों में गन्ने से माँ लक्ष्मी की सुंदर मूर्ति का निर्माण करते हैं। गन्ने का जो महालक्ष्मी पूजन होता है उसमें बहुत महत्व है और पंचदीपोत्सव और दीपावली जिसको दीप पर्व के नाम से जाना जाता है उसमें महालक्ष्मी की पूजा का जो विधान है, महालक्ष्मी की जो पूजा के जो मूर्ति का निर्माण किया जाता है उसमें गन्ना को सबसे प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गन्ने में गज का गज जो जिसे हम हाथी के नाम से जानते हैं वो गन्ना उनको प्रिय है और गज जो है वो लक्ष्मी का वाहन है, तो गन्ने को सुख समृद्धि खुशहाली इसका वास गन्ने में माना गया है। तो कुमाऊं अंचल में जब मूर्ति निर्माण माँ लक्ष्मी का किया जाता है तो गन्ने के साथ किया जाता है और दो गन्ने लिए जाते हैं और दो गन्ने लिए जाने के साथ साथ एक गन्ने के तीन टुकड़े किए जाते हैं और गन्ने का जो निचला भाग है उससे लक्ष्मी बनाई जाती है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा रस होता है। मानस खंड और पुराणों में भी गन्ने को सुप्ता मानी गई है और इसमें यह माना गया है कि गन्ने का प्रयोग करने से शुभ लाभ जो है वो प्रदान होता है। इसी तरह से जैसे हम शादी अगर बात करें, जनेऊ की बात करें या कोई अन्य धार्मिक कार्य की बात करें तो भी उसमें गन्ने का प्रयोग किया जाता है और गन्ने का प्रयोग जो है वो मिठास घोलने के काम में आता है, उससे जो मन मुटाव है उसको कम करने में भी गन्ने को प्रयोग किया जाता है और गन्ने को जो है कांसे की थाली में रखने की विधान कहता है और उसमें चावल या खीले रखे जाते हैं, उसमें त्रिकोणी जो गन्ने का स्ट्रक्चर है उसको बनाया इस्तेमाल में लाया जाता है। गन्ने को वैसे तो सैकरम ऑफिसनेरियम के नाम से जाना जाता है जिसकी पूरे गन्ने के जो चीनी है वो प्रमुखता से खाते हैं और गन्ने की जो कटाई है वो उसका सीजन भी है, वो हालांकि वो NDRI का जो सूचकांक है उसके आधार पर इसकी कटाई शुरू की जाती है और भारत में गन्ना जो है 32 लाख हेक्टेयर जमीन पर बोया जाता है, तो भारत के अलावा क्यूबा में भी बहुत ज्यादा गन्ना होता है। इसीलिए जो देव उठनी एकादशी है जिसको हम प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, जब तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के साथ होता है तो वो जो विवाह संपन्न होता है वो गन्ने के मंडप में ही संपन्न होता है। तो इस तरह से एक तरफ से अगर हम देखते हैं कि गन्ना जो है हमारा एक जो प्रोडक्ट है इस खेती का, उसकी कटाई की शुरुआत भी दिवाली के आसपास से शुरू कर दी जाती है, तो इसलिए गन्ने को प्रमुखता से भगवान को चढ़ावा के रूप में देते हैं और उसका जो रिश्ता है वो माँ लक्ष्मी से सीधे हाथी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। साथ ही जो गन्ने का ऊपरी भाग है जिसमें मुखौटा बनाया जाता है उसको नींबू उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नींबू में शुक्र और चंद्रमा का वास माना गया है, उसका जो खट्टापन है वो शुक्र को दर्शाता है और जो उसका रस है वो चंद्रमा को दर्शाता है, तो धर्म और अध्यात्म में नींबू का विशेष स्थान माना गया है। जो नींबू है उससे नकारात्मकता ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है। सिट्रस मेडिका जिसको हम बॉटनिकल आधार पर कहते हैं और ये रूटेसी फैमिली का है, तो दोनों जो हमारा चाहे नींबू हो चाहे गन्ना हो ये मुख्य रूप से हमारे माँ लक्ष्मी के स्थापना में लक्ष्मी के रूप देने के लिए काम में आते हैं और दोनों ही एक ऐसे जो हमारे प्रकृति के उत्पाद हैं जो सुख समृद्धि की कामना करते हैं और हमारी मानवता के साथ साथ जीवधारियों की खुशहाली की कामना करते हैं। नैनीताल से तनुष पांडे की रिपोर्ट।